friends वेलकम टू द फास्ट ट्रैक रिविजन कोर्स ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी मैं हूं निकत कतपरफिन खान और पॉलिटिक्स एफ टी आर में मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के ले लिए ले लेकर आई हूं विच विल हेल्प यू इन सी जी पी एस सी प्रोल्स देखिए जो लास्ट वीडियो था हमारा उसमें एक क्वेश्चन पर काफी लोगों को डाउट था एक्चुअली कुछ मिस्टेक्स एक्सप्लेनेशन में एक वर्ड इधर उधर हो गया था दैट क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मैंने बताया था कि तीन तरह के मंत्री उसके अंतर्गत आते हैं कैबिनेट आता है उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट आता है और फिर डिप्टी मिनिस्टर आता है तो वो बिल्कुल सही चीज है लेकिन हुआ ऐसा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मैंने हिंदी में कह दिया था मंत्रिमंडल ठीक है तो मंत्रिमंडल नहीं है वो मंत्री परिषद है मंत्रिमंडल का मतलब होता है कैबिनेट मंत्री ठीक है तो मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद के अंदर फिर आते कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री और उप मंत्री ठीक है सो दैट एक्सप्लेनेशन वाज करेक्ट बट वो जो ट्रांसलेशन के टाइम मैंने मंत्री मंडल कह दिया था उसे रेक्टिफाई कर लिया वो एक्चुअली में मंत्री परिषद है

मॉडरेट और मिक्स्ड मतलब कि टफ सभी तरह के क्वेश्चन होंगे उसमें से एक इजी लेवल का क्वेश्चन है ये जो आपके सामने फ्लैश हो रहा है कि विधान परिषद कहां पे नहीं है व्हाट इज द आंसर आंसर इसका होगा ऑप्शन सी राजस्थान देखिए आप सभी जानते हैं कि इंडिया में बाय यानी कि द्विसदनी प्रणाली है केंद्रीय स्तर पर बाय कैमरलिज्म द्वि सदनी प्रणाली कंपलसरी है दो हाउसेज होंगे द्विसदनी प्रणाली का मतलब होता है दो सदन के दो हिस्से होंगे एक निम्न सदन एक उच्च सदन तो सेंट्रल लेवल पर तो निम्न और उच्च दोनों ही सदन होते हैं पर राज्य स्तर पर बाय कैमरलिज्म कम्पल्सरी नहीं है मतलब दो सदन हो ऐसा कम्पल्सरी नहीं है तो वर्तमान में देखें तो भारत में केवल छः राज्यों में दो सदन हैं पहले जम्मू कश्मीर में भी था पर अगर आप ये देखेंगे कि वो यूनियन टेरिटरी बन गया तो उसे अगर हम हटा देंगे तो फिलहाल आप देखें जब तक कि देखो राजपत्र में घोषित नहीं होता उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे फिलहाल अगर हम देखें उसे हटा करके तो छह शेष राज्यों में विधान परिषद में विधान परिषदें भी हैं विधान परिषद का मतलब है इन छह राज्यों में विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंग्लिश और विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंग्लिश लोअर और अपर दोनों ही हाउस हैं और वो छह राज्य हैं जैसे कि इसमें बाकी के तीन ऑप्शन दिए हुए हैं एक बिहार हो गया एक महाराष्ट्र हो गया एक उत्तर प्रदेश हो गया उसके अलावा एक कर्नाटका है और तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है ठीक है तो बिहार महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश कर्नाटका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ठीक है दीज आर दिक्कस स्टेट्स जहां पर विधान परिषदें भी हैं अलोंग विद विधानसभा और राजस्थान इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी में विधान परिषद नहीं है इज दैट वेरी क्लियर नाउ लेट इज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू सो क्वेश्चन नंबर टू रीड्स एज भारत में स्थापित किया गया पहला नगर निगम कहाँ है पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था और आपके ऑप्शंस हैं मद्रास दिल्ली बॉम्बे और हैदराबाद सो so, ये क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं कि ये आपका म्यूनसिपालिटी यानी कि नगरीय निकायों से सवाल आया है क्या होगा इसका आंसर इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मद्रास ठीक है तो ये जो क्वेश्चन है आपका शेड्यूल ट्वेल्व में जो म्यूनसि के बारे में दिया गया है आपके पार्ट नाइन ए में संविधान के भाग नौ क में जो म्युनसिपैलिटी या नगरीय निकाय के बारे में दिया गया वहाँ से सवाल उठता है ये कि भारत में पहली बार नगरीय निकाय या नगर निगम कहाँ बना था तो जब आप नगर निगम के इतिहास को पढ़ेंगे तो हम ये जानते हैं कि कंपल्सरी तौर पर तो जो सेवेंटी अमेंडमेंट नाइन्टीन हुआ था उससे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसका मतलब है नगरीय स्थानीय प्रशासन कंपलसरी तौर पर पूरे देश में अस्तित्व में आया था लेकिन उसके पहले से ही इवन ब्रिटिश काल से ही ठीक है हम पढ़ते हैं कि काफ़ी बाद में लॉर्ड रिपन ने काफ़ी कोशिशें की थी इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लाने की लेकिन उसके पहले भी कई शहरों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थापित हो चुकी थी तो पहली जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थापित हुई थी जैसे कि अभी हमने आंसर डिस्कस किया मद्रास में हुई थी इंडिया सिक्सटीन एट्टी सेवन एट सोलह सौ सत्तासी में पहला नगर निगम मद्रास में बना था दूसरा 1726 में सन 1726 में जो दूसरा नगर निगम है वो बॉम्बे और कैलकाटा में स्थापित किया गया था और उसके बाद से फिर एक इतिहास आता है धीरे 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 करके कई शहरों में नगर नगर निगम बनते हैं और फिर बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट नाइन्टीन के जरिए पार्ट नाइन ए जोड़ा जाता है शेड्यूल ट्वेल्व जोड़ा जाता है और उसके ज़रिए पूरे इंडिया में नगरी जो स्थानीय प्रशासन है वो कंपलसरी बना दिया जाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए री क्लियर टू द्वेशन नंबर थ्री सो क्वेश्चनपति किसके द्वारा चुना जाता है, ये? मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये आपका क्वेश्चन है और आपके ऑप्शन दिए गए हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित संसद के सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा ठीक है तो इन चारों में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन हिस्सा लेता है क्या होगा इसका आंसर यस yes, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ठीक है तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये एक्चुअली आर्टिकल 66 से दिया हुआ है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं कि किस तरह से उसे चुना जाएगा और कौन उसे चुनेगा तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उस पर उसका इलेक्शन फेडरल नहीं होता यानी कि संघीय नहीं होता अनलाइक प्रेसिडेंट आप जानते ही हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र स्तर पर सांसद और राज्य स्तर पर विधायक भी हिस्सा लेते हैं पर उपराष्ट्रपति जो होता है उसके चुनाव में केवल केवल केंद्र स्तर के सांसद ही हिस्सा लेते हैं तो केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों ही जगह पर सांसद होंगे और यहाँ के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड सभी तरह के सांसद जो हैं वो हिस्सा लेते हैं तो इसमें क्या ना संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा इसमें कहीं पर भी स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि सिर्फ इलेक्टेड क्योंकि इसके इलेक्शन में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही लोग हिस्सा लेते हैं कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में पूरे के पूरे जो केंद्र के सांसद होते हैं चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो वो सब हिस्सा लेते हैं और निर्वाचन की प्रक्रिया वैसी ही होती है जैसे राष्ट्रपति की मतलब एकल संक्रमणी विधि से गुप्त मतदान से ठीक है और प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व से ठीक है प्रपोजल प्रेजेंटेशन भी वही होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का प्रोसेस भी वही होगा और सीक्रेट बैलेट सिस्टम जो पूरा आप राष्ट्रपति के निर्वाचन में पढ़ते हैं सेम प्रोसेस होगा बस फर्क आ जाता है कि उसमें नॉमिनेटेड लोग हिस्सा नहीं ले रहे थे इसमें लेंगे उसमें राज्यों के विधायक और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी के भी विधायक हिस्सा ले रहे थे इसमें नहीं लेंगे केवल लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सभी सांसद हिस्सा लेंगे

भारत की नागरिक रही है और जो जो व्यक्ति के लिए आप नागरिकता की बात कर रहे हैं वो भारत से बाहर जन्मा है तो वो भारत का ही नागरिक कहलाएगा ये प्रावधान कब ऐड किया गया ठीक है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझिए पहले क्वेश्चन को कि नागरिकता में एक प्रावधान है कि यदि कोई भारत से बाहर जन्मा है और वो भारत का नागरिक लिए क्लेम कर रहा है या भारत की नागरिकता उसे चाहिए अप्रवासी भारतीय के तौर पर तो उसमें हमारे पास एक क्लॉज है कि यदि उसकी माता भारत की नागरिक रही है तो वो इंसान भी अप्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर रजिस्टर हो सकता है ये क्लॉज है हमारे यहाँ तो पूछ ये रहा है कि ये जो क्लॉज है जिसमें माता का भी भारत के नागरिक होने पर उसके बच्चे को नागरिकता नागरिकता प्राप्त करने की बात की जा रही है ये कब ऐड हुआ था तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1992 1992 ठीक है तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में सिटीजनशिप एक्ट 1955 से ही है नागरिकता अधिनियम 1955 से ठीक है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस अधिनियम के तहत पांच तरीकों से कोई भी भारत का नागरिक बन सकता है जन्म के जरिए बाय बर्थ वंश के आधार पर बाय डिसेंट ठीक तीसरा रजिस्ट्रेशन के जरिए पंजीकरण द्वारा चौथा नेचुरलाइजेशन के जरिए यानी कि प्रकृतिकरण के द्वारा और पांचवा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि क्षेत्र समाविष्ट करने के द्वारा तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा है इसमें जो सेकेंड आधार मैंने बताई थी वंश के आधार पर उस पर से क्वेश्चन पूछा है असल में वो जो बाई डिसेंट वंश के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 तो उसको समझें पहले बाई डिसेंट ठीक है मैं किस बता रही हूँ मैं क्या चीज बता रही हूँ आपको सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो दूसरा आधार है नागरिकता का वो है वंश के आधार पर तो उसमें कुछ कट ऑफ डेट्स मेंशन है 26 जनवरी 1950 ठीक फिर है आपका 10 दिसंबर उन्नीस और फिर है आपका 3 दिसंबर 2004 ठीक है वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिल सकती है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ये तीन कट ऑफ डेट्स मेंशन है और उसमें एक आ गया है कि यदि कोई 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जन्मा है तो वो भारत का नागरिक तब कहलाएगा जब 1950 और 1992 के इस बीच के ड्यूरेशन में उसके पिता जो हैं ठीक है थीके? तो याद रखिए क्या कह रही हूं मैं इस दौरान में अगर कोई जन्मा है तो भारत का नागरिक तब कहलाएगा जब उसके पिता भारत के नागरिक होंगे ठीक उसके बाद उन्नीस में ये जोड़ दिया गया कि ऐसा नहीं कि केवल पिता ही भारत के नागरिक होंगे तभी उस व्यक्ति को आप अप्रवासी भारतीय नागरिक का दर्जा देंगे उन्नीस के बाद से ये प्रावधान आ गया कि उन्नीस से लेकर 2004 के बीच में जो लोग जन्मे हैं विदेश में उन्हें भारत की नागरिकता तब मिलेगी जब उनके पिता या माता में से कोई भारत के नागरिक रहे होंगे मतलब यहाँ पर पहले जहाँ सिर्फ और सिर्फ फादर को रिकग्निशन मिला था कि यदि आप बाहर के बाहर भारत के बाहर जन्मे हो और आपके पिता भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के नागरिक बन पाओगे उन्नीस में मदर को भी एक ऑप्शन के तौर पर डाल दिया गया कि पिता नहीं और माता भी अगर भारत की हैं या माता पिता की जगह माता जो हैं वो भारत की नागरिक रही हैं तो भी जो उनकी संतान हैं उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है इज it वेरी क्लियर तो ऐसा था कि 1950 से 1992 के बीच में सिर्फ पिता वाला क्लॉज था ठीक 92 से 2004 के बीच में माता वाला क्लॉज था 2004 के बाद ऐसा है कि भारत के बाहर अगर 2004 के बाद कोई जन्मा है तो विद इन वन ईयर इंडियन काउंसुलेट में उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा और उनके माता पिता को एक वैलिड डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ेगा जिसमें पता जिसमें उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो जो उनके संतान है, उनके पास कोई विदेशी नागरिकता उस वक्त नहीं है इज़ दैट वेरी क्लियर मतलब जो ज़रूरी कंडीशनस uh, हैं उस वक्त नहीं है तो उनको पहले तो रजिस्टर कराना पड़ेगा विद इन वन ईयर ठीक तो वो टू के बाद के क्लॉजेस अलग हैं वो रजिस्ट्रेशन का जो लाइसेंसेज आए थे वो 2004 के बाद आए थे फिलहाल आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद ये रखना है कि पिता के साथ साथ माता को भी जो रिकोगशन मिला था वो 1992 में मिला था अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नाइनटीन इज टू क्लियर ओके लेट अस नाउ क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा लेट अस रीड इट सवा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 किस चीज से संबंधित है और आपके कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण भारत द्वारा कुछ भूभाग का हस्तांतरण सी है आपका ए और बी दोनों और डी है आपका इनमें से कोई नहीं ठीक है क्वेश्चन क्या पूछा इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सो फार अभी तक के जितने संविधानिक संशोधन हुए उनमें से एक सवाल है कि जो सौ नंबर का संशोधन था सन 2015 में उसके तहत क्या बदलाव हुए थे ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों बोथ ए एंड बी सी ये जो 2015 में हंड्रेड अमेंडमेंट हुआ था ना आप सभी जानते हैं इट वाज अ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश भारत और बांग्लादेश के बीच में एक तरह का भूमि समझौता हुआ था जिसमें कुछ हिस्से जो हमारे बॉर्डर पर थे नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर जो हिस्से हमारे बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर थे उनका एक्सचेंज हुआ था फ्यू इंडियन इनक्लेवस गॉड मर्ज इनटू बांग्लादेश एंड फ्यू बांग्लादेश मर्जन टू इंडिया तो इसका आप जो ऑप्शन बी देख रहे हैं भारत द्वारा कुछ भूभाग का हस्तांतरण किया गया ट्रांसफर किया गया और पहला दिया है भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया कुछ एक्वायर किया कुछ हमने वहाँ से एक्वायर किया तो कुछ अपने हिस्से वहाँ पे ट्रांसफर की तो कुछ एन्क्लेव्स इंडिया में शामिल हुए थे कुछ मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ बाउंड्री हुई थी ठीक है तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही होता है क्योंकि रीअरेंजमेंट हुआ था एनक्लेव्स का और इस सवे संशोधन की वजह से संशोधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने जो बाउंड्री रीअरेंजमेंट किया तो इसमें हमारा शेड्यूल वन me okay. और पार्ट टू में चेंज करना पड़ा था ये जो शेड्यूल वन में आपका असम वेस्ट बंगाल मेघालय त्रिपुरा वाला जो रीजन है ना उसकी जो भी बाउंड्रीज बताई गई हैं उनका रीअरेंजमेंट करना पड़ा असम वेस्ट बंगाल त्रिपुरा मिजोरम के एरियाज़ में थोड़ा कुछ चेंजेस करना पड़ा तो जो आपकी अनुसूची एक है जो क्षेत्रों के विस्तार के बारे में बताती है वहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ा और जो हिस्से भारत में शामिल कर लिए गए थे जो बस्तियाँ भारत में शामिल कर ली गई थी उनको सीधा सीधा भारत की नागरिकता दे दी गई थी इसलिए हमको जो आपका पार्ट टू है सिटीजनशिप वाला जो पार्ट है उसमें भी कुछ चेंजेस करने पड़े थे तो इस तरह से लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था भारत बांग्लादेश समझौता हुआ था भूमि समझौता और उस अमेंडमेंट में कुछ रीअरेंजमेंट हुआ था और उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों इज देट क्लियर ओके लेट नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स क्विकली तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा यू कैन सी इट अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लागू हुआ था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट के बारे में पूछा है कि ये कब लागू हुआ था और आपके ऑप्शन हैं उन्नीस सौ छिहत्तर उन्नीस एंड ठीक है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट एक लेजिस्लेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल नहीं है ये एक विधान है जो बना था संसद में कब लागू हुआ था सवाल है आपका कब हुआ था वट इज आंसर यस yes. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1955 1955 में ये जो अधिनियम है लागू हुआ था देखिए इट इज़ द एक्ट नंबर 22 ऑफ 2015 बहुत सारे लेजिसलेशन पास हुए थे 2015 में उसमें से ये एक्ट नंबर 22 था और ये जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 17 है है ना हम सभी जानते हैं व्हाट इज आर्टिकल सेवनटीन अनटचबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है यानी अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया है उसी को एनफोर्स कराने के लिए उसी को लागू कराने के लिए ये वाला एक्ट सन उन्नीस में आया था जिसमें कहा गया कि अगर भारत में समाज में कोई भी अस्पृश्यता को फॉलो करता दिखता है कोई भी किसी को भी किसी पब्लिक वेल में जाने से मना करता है यानी कुएं से पानी निकालने से मना करता है कोई किसी मंदिर में एंटर करने से मना करता है किसी पब्लिक प्लेस में एंटर करने से मना करता है यानी जो भी आपके आप कह आप सकते हैं अनटचबिलिटी की जो भी चीज़ें पहले प्रैक्टिस में थी भारत में ऐसा करते कोई दिखता है तो दैट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन होती है तो इस एक्ट के तहत उसे सज़ा मिलेगी इनिशियल सज़ा ये थी कि इधर फाइव हंड्रेड उसको मॉनिटरी पनिशमेंट दी गई थी ठीक है फाइव हंड्रेड का फाइन और छः महीने की जेल और अगर अपराध थोड़ा संगीन है तो दोनों भी दी जा सकती है इन्हें छः महीने की जेल भी हो सकती है और पाँच का जुर्माना भी ठीक है तो जितने बार अगर मान लीजिए उसके पास उसके ऊपर ये केस और आगे कंटिन्यू होता है तो ये पनिशमेंट और ये जो फाइन है ये बढ़ाई भी जा सकती है इज क्या तो 1955 में एक्ट आया था फिर बाद में सन 1976 में राज्यसभा में एक संकल्प आया था और बाद उस संकल्प में या मैं कहूँ उस प्रस्ताव में इस अंटेजेबिलिटी ऑफेंस एक्ट के टाइटल को बदल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट कर दिया गया था ठीक है तो अब जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट के अंदर न सिर्फ टाइटल बदला गया था बल्कि कुछ प्रावधानों को और कड़ा किया गया था पनिशमेंट्स को और कड़ा किया गया था और कुछ और कम्युनिटीज़ को इस दायरे में लाया गया था ठीक है सो क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हम देखें तो ये अनबिलिटी ऑफेंस एक्ट अनुद्रह के तहत संसद में आया था सन उन्नीस में तो आंसर इज ऑप्शन बी नाइन इज क्लियर ओके ज नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के संघ लोक सेवा द्वारा की जाती है अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष या बासठ वर्ष की आयु है लोक सेवा आयोग के कुल सदस्यों में से आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें भारत सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष का सरकारी सेवा का अनुभव हो और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं क्या होगा इसका आंसर ठीक है फर्स्ट टेल द आंसर देन दल बी डिस्कसिंग क्या होगा यस yes. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष या बासठ वर्ष की आयु है डू रिमेंबर क्वेश्चन क्या पूछा है इन करेक्ट स्टेटमेंट असत्य कथन बताए तो भाई ऐसा है कि ये क्वेश्चन आपका कौन से पार्ट से है पार्ट फोर्टीन ठीक है ये जो पार्ट आपका फोर्टीन है पार्ट फोर्टीन वहां से क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट केंद्र और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उस पर से क्वेश्चन पूछा गया है और वो जो आपका पार्ट है वो तो 315 से लेकर 323 के बीच में वी ऑल नो दिस के दैट पार्ट 14 इज फ्रॉम 315 टू 323 इसमें से ये आपको जानना चाहिए कि इसमें यूपीएससी और पीएससी के बारे में पूरा उनका कार्य उनका संगठन ये सारी कुछ चीजें दी गई हैं, ठीक है थीके? तो इस पार्ट में पहला जो स्टेटमेंट दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है बिल्कुल सही है आप जानते हैं कि जितने सेंट्रल लेवल के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं केंद्रीय स्तर की जितने भी संवैधानिक निकाय होते हैं उन सब की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और राज्य स्तर की जितनी भी संवैधानिक इकाइयाँ होती हैं उनकी नियुक्ति जो है उनके सदस्य उनके अध्यक्षों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है तो इस हिसाब से आप इलेक्शन कमीशन ले लीजिए आप सी ले लीजिए आप जनरल ले लीजिए ठीक है या आप नेशनल कमीशन फॉर एस सी या एस टी ले लीजिए इन सभी को अगर आप देखेंगे संविधानिक इकाइयाँ हैं केंद्र स्तर की इन सभी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो इसमें भी ये बिल्कुल सही है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है द स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट ठीक सी वाला अगर आप देखते हैं तो दिया हुआ है कि आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनको कम से कम 10 साल का सरकारी अनुभव होना चाहिए बिल्कुल सही है हालांकि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि एक्जैक्टली exactly कितने मेंबर्स होंगे आपके सेंट्रल यूपीएससी में हाँ नौ से ग्यारह मेंबर्स होते हैं ऑन एन ऑल नाइन टू इलेवन मेंबर्स होते हैं बट नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है ये सदस्यों की संख्या चेंज हो सकती है हाँ इतना ज़रूर है कि जितने भी आपके मेंबर्स होंगे उनमें से कम से कम आधे ऐसे होना चाहिए जिन्हें कम से कम किसी सरकारी सेवा में टेन ईयर्स का एक्सपीरियंस हो ये एजुके, ये जो क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट पर पहुंचने की वो इसमें मेंशन है तो ये भी जो सी है ये भी सही है बट जो आपका ऑप्शन बी है उसमें लिखा है कि कार्यकाल पांच वर्ष या बासठ वर्ष की आयु होनी चाहिए ये बिल्कुल गलत है इन इस पार्ट में आर्टिकल 316 अगर आप देखेंगे तो इसमें यूपीएससी के जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल के बारे में दिया गया और उसमें साफ लिखा है कि उनका जो कार्यकाल होगा वो छः साल होगा या पैंसठ वर्ष की आयु होगी जो भी पहले हो जाए जो भी पहले हो जाए का मतलब है कि यदि कोई नियुक्त होता है और वो तिरसठ चौसठ साल के उम्र तक के छः साल की अवधि कंप्लीट कर लेता है तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा ठीक और अगर ऐसा नहीं है मान लीजिए वो नियुक्त होता है और तीन चार साल बाद ही वो पैंसठ वर्ष की आयु उसकी अचीव हो जाती है तो भी वो रिटायर हो जाएगा कार्यकाल उसका पूरा नहीं होगा मतलब इन दोनों में छः साल तक रहेगा या पैंसठ वर्ष की आयु तक रहेगा इनमें से जो भी पहली चीज आ जाए तब वो कार्यकाल उसका समाप्त हो जाएगा वो रिटायर हो जाएगा इज क्लियर तो ऑप्शन में दिया है आपका कि पाँच साल या बासठ वर्ष जबकि आंसर क्या है छ साल या पैसठ वर्ष इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन बी है वो इस रेफरेंस में गलत ऑप्शन है सो आंसर इज ऑप्शन बी लेट इज नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर एट नाउ ठीक है क्वेश्चन नंबर एट है देखिए संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य उसी पद पर कितनी बार पुनर्युक्त हो सकता है क्वेश्चन पूछा है अगेन ऑल इंडिया सर्विसेज में यूपीएससी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है या मैं कहूँ पार्ट फोर्टीन से ही ये क्वेश्चन है और पूछा है कि कितने बार जो मेंबर है वो री अपॉइंट हो सकता है और आपके ऑप्शंस दिए हैं दो बार तीन बार चार बार या आपका फिफ्थ फोर्थ ऑप्शन है पुनर्नियुक्ति नहीं होगी क्या होगा इसका आंसर यस yes. इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी मतलब क्या है इस क्वेश्चन का देखिए अगेन सेम पार्ट टू रिफर यही भाग का ही क्वेश्चन है और यही रेंज है अनुच्छेदों की जिस पर से सवाल पूछा गया है हाँ इस टाइम आर्टिकल दूसरा है तीन सौ उन्नीस आर्टिकल तीन उन्नीस साफ ये कहता है कि जो यूपीएससी है उसके जो मेंबर्स होंगे और उसका जो अध्यक्ष होगा जब वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे उसके बाद वो उसी पद पर रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं ठीक है जैसे आप जानते हैं कि मैग्जिम जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वो रीअपॉइंट नहीं हो सकती प्रेसिडेंट रीअपॉइंट हो सकता है फाइनेंस फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स रीअपॉइंट हो सकते हैं पर आप देखें कैग हो या फिर कोई और आयोग हो उसके सदस्य रीअपॉइंट नहीं हो सकते वैसे ही इन अ सिमिलर वैनर यूपीएससी के भी जो मेम्बर्स होते हैं वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते मतलब एक बार ये छः साल का कार्यकाल पूरा कर ले तो दोबारा नहीं अपॉइंट किए जा सकते हाँ अगर स्टेट पी वाले सदस्य स्टेट पीएससी के अध्यक्ष हैं तो वो यूपीएससी में जाकर के रिअपॉइंट हो सकते हैं मतलब अगर राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य है तो इवन आफ्टर रिटायरमेंट वो यूपीएससी का सदस्य अध्यक्ष बन सकता है ठीक है लेकिन वो किसी और स्टेट का सदस्य अध्यक्ष नहीं बन सकता और यूपीएससी वाला जो है वो उसी पद पर वापस नहीं आ सकता तो 319 ये साफ कहता है कि पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ठीक है पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती question, question so, आपकी स्क्रीन पर अब अगला क्वेश्चन आ रहा है लेट इस रीड द क्वेश्चन निम्न से कौन से विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आते ये क्वेश्चन जो है मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट्स के ऊपर है ठीक है वित्त विभाग या वित्त मंत्रालय के अधीन कौन से विभाग नहीं आते सवाल पूछा है गौर से पढ़े आपके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उसके बाद कुछ कोड्स दिए गए हैं व्यय विभाग आर्थिक कार्य विभाग बैंकिंग विभाग राजस्व विभाग या बजट विभाग इन पांचों में से सवाल पूछा है कि कौन से वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आते हैं क्या होगा इसका आंसर आपके सामने कोड्स दिए गए टू थ्री थ्री फोर थ्री फाइव एंड टू फाइव वट वट विल द आंसर यस इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थ्री फाइव यानी कि आपका जो बैंकिंग विभाग है और जो बजट विभाग है वो इसके अधीन नहीं आता देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल लेवल पर मंत्रालय होते हैं मंत्रालयों के अधीन बहुत सारे विभाग होते हैं ठीक है आप होम मिनिस्ट्री देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे विभाग होंगे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस देखेंगे आप तो उसके अंदर बहुत सारे विभाग होंगे ऐसे ही सवाल पूछा है वित्त मंत्रालय से कि उसके अंदर कौन कौन से विभाग आते हैं तो उसके अंदर एक्चुअली में पाँच तरह के ही विभाग आते हैं एक तो जिसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं ना एक व्यय विभाग दिया गया एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट आता है दूसरा आपका राजस्व विभाग दिया यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है तीसरा आपका आर्थिक कार्य विभाग दिया यानी कि इकोनॉमिक वर्क डिपार्टमेंट आता है तो एक हो गया आपका क्या रेवेन्यू एक हो गया एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट तीसरा हो गया आपका इकोनॉमिक वर्क डिपार्टमेंट चौथा होता है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट यानी कि आपका वित्तीय सेवा विभाग होता है और पांचवा होता है आपका डिपार्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट ठीक है इन्वेस्टमेंट निवेश से संबंधित ये ये विभाग होता है तो ये जो तीन दिए गए हैं आपके ऑप्शन में एक्सपेंडिचर आर्थिक कार्य राजस्व रेवेन्यू उसके अलावा चौथा होता है फाइनेंशियल सर्विस और पांचवा होता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट इसके अलावा कोई और इसमें आता नहीं है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता तो इस वजह से ये जो दो ऑप्शन दिए हैं बैंकिंग विभाग या बजट विभाग आपको लगता हो कि बजट तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है पर इस तरह का कोई विभाग नहीं होता है उस मंत्रालय के अंतर्गत ठीक है सो डू रीड आउट वंस ठीक है ये लिस्ट आप जरूर पढ़ लें जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि भारत में जितने भी तरह के मंत्रालय होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से विभाग होते हैं ठीक है उसी पर से सवाल है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी थ्री एंड फाइव इसमें बैंकिंग नहीं आता बजट में आता इज दैट वेरी क्लियर ओके सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं अब हम अंतर्राज्यीय परिषद में निम्न में से कौन कौन शामिल होते हैं क्वेश्चन पूछा है आपका इंटर स्टेट काउंसिल पर से और पूछा है कि उसमें से कौन कौन इसमें इंक्लूडेड है इंटर स्टेट काउंसिल में कौन कौन आते हैं और आपके जो स्टेटमेंट्स दिए गए ऑप्शन दिए गए वो है प्राइम मिनिस्टर एंड प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सी ऑफ ऑल द स्टेट्स विधानमंडल युक्त संघ राज्यों के मुख्यमंत्री मतलब यूनियन टेरिटरीज जो हैं जहाँ पर विधानसभाएँ हैं लेजिस्लेचर है वहाँ के मुख्यमंत्री फिर है आपका आठ केंद्रीय मंत्री एट कैबिनेट मिनिस्टर फिर है आपका पांचवा विधान मंडल युक्त संघ राज्यों के प्रशासक ठीक है मतलब जिन केंद्र शासित प्रदेशों में यानी कि यूनियन टेरिटरीज में विधान मंडल है वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर जो होते हैं वो ठीक है मतलब ये पांच ऑप्शन है देखिए क्वेश्चन शायद आपको इंग्लिश में फ्लैश नहीं हो रहा होगा तो इसलिए मैं इसको रिपीटेडली बार बार एक दो दो चार क्वेश्चन से इंग्लिश में भी बता रही हूँ क्वेश्चन है इंटर स्टेट काउंसिल से और ये पांच ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन इंटर स्टेट काउंसिल की संरचना या कॉम्पोजिशन में शामिल नहीं है ठीक प्राइम मिनिस्टर नहीं है सीएम्स नहीं है ठीक है सॉरी शामिल हैं द क्वेश्चन इज शामिल हैं ठीक है और प्राइम मिनिस्टर राज्यों के मुख्यमंत्री तीसरा है आपका ऐसे यूनियन टेरिटरीज़ जहाँ पे विधानसभा होती है वहाँ के मुख्यमंत्री चौथा है आपका एट कैबिनेट मिनिस्टर्स पांचवा है आपका युक्त यानी यूनियन टेरिटरीज़ जहाँ पे विधानसभा है वहाँ के प्रशासक ठीक तो इसका आंसर क्या होगा वट विल बी द करेक्ट आंसर इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वन टू एंड थ्री एक दो और तीन ठीक है इसका मतलब है कि उसमें प्रधानमंत्री शामिल होता है राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और तीसरा ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां विधानसभाएं हैं वहां के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं आठ कैबिनेट मंत्री नहीं शामिल होते हैं और वो यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे विधानसभाएं होती हैं वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर्स नहीं होते हैं अब इसकी वजह समझिए कि इसका आंसर एक दो तीन क्यों लिया गया है और चौथा और पांचवा क्यों नहीं लिया गया देखिए ये जो क्वेश्चन है जैसे कि अभी मैंने बताया पार्ट इलेवन से है ठीक है पार्ट इलेवन के आर्टिकल टू सिक्स में दिया गया है कि अगर केंद्र राज्य और राज्यों के बीच में समन्वय बनाने के लिए कोई अंतर राज्य परिषद बनाने की जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति ऐसी परिषद को बना सकता है प्रेसिडेंट कैन फॉर्म एन इंटर स्टेट काउंसिल इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर अ कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ठीक है तो ऐसा है कि सन उन्नीस में वीपी सिंह के गवर्नमेंट के टाइम पर सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उन्नीस में उसमें उन्होंने सिफारिश की थी कि आप एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाइए तो 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट के टाइम प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 273 सेवेंटी थ्री टू इंटर स्टेट काउंसिल बनाई थी क्या कहा मैंने इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने सरकारिया कमीशन की सिफारिश पर बनवाई थी ठीक है बनाई थी और इसमें ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूली फॉर्म्ड इंटर स्टेट काउंसिल जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा प्रमाण है भारत में ठीक है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए बनाई बनाई गई जो है इसके अंतर्गत आता है इसकी कॉम्पोजिशन ही संरचना में आते हैं प्रधानमंत्री ठीक उसके बाद आ जाते हैं इसके अंदर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे राज्य जहां विधानसभाएं हैं वहां के मुख्यमंत्री आएंगे ठीक है आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है फिफ्थ वाला विधानसभा सॉरी फिफ्थ वाला नहीं तो इसमें ये देखिए कि प्रधानमंत्री आएंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे अगर किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है यानी कि आपका 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है किसी राज्य में तीन के तहत राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वहाँ के गवर्नर्स शामिल होंगे मैं क्या बता रही हूँ 1990 में बनी इंटर स्टेट काउंसिल में संरचना में कौन कौन शामिल होता है तो प्रधानमंत्री तो होता ही सभी राज्यों के सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स ये होते ही हैं उसके अलावा अगर किसी राज्य में उस समय या किसी भी समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वहां पे सीएम शामिल नहीं होगा उस राज्य का गवर्नर शामिल होगा ठीक है वो स्टेट जहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है वहां का गवर्नर शामिल होगा उसके अलावा यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी दो तरह की है ऐसी भी यूनियन टेरिटरी है जहां पे विधानसभा है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी और ऐसी भी यूनियन टेरिटरी है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है ठीक है तो लेजिस्लेटिव असेंबली जहां पर है वहां पर वहां के सीएम्स होंगे क्योंकि विधानसभा है तो वहाँ पे मुख्यमंत्री होगा ही तो जहाँ पर विधानसभा है ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसके मेंबर्स होंगे और जहाँ पर विधानसभा नहीं है ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ठीक है या दादरा नगर हवेली चंडीगढ़ इनके बारे में अगर हम देखें तो यहां पर वहां के जो प्रशासक हैं जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल दें या गवर्नर बोल दें वो इसके मेंबर्स होंगे ठीक तो प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है वहां का गवर्नर ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है वहां का मुख्यमंत्री लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है वहां का प्रशासक और प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड छह कैबिनेट मंत्री जिसमें से जो होम मिनिस्टर है वो कंपल्सरली नॉमिनेट होगा ठीक छह कैबिनेट मंत्री भी मेंबर्स होंगे जिसमें से एक होम मिनिस्टर का होना कंपलसरी है तो इतने लोग मिलकर के इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर्स बनाते हैं इज दैट क्लियर ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर इनफ तो आपकी ऑप्शन में जो आपका फोर्थ फिफ्थ है वो गलत इसलिए था क्योंकि लिखा कि है आठ कैबिनेट मंत्री जबकि कितने हैं छह कैबिनेट मंत्री और फिफ्थ में लिखा है विधानमंडल युक्त संघ राज्यों के प्रशासक मतलब वो यूनियन टेरिटरीज जहां पर विधानसभाएं हैं वहां के प्रशासक नहीं वहां के मुख्यमंत्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक है जहाँ विधानमंडल है उस यूनियन टेरिटरी के प्रशासक मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर्स प्रशासक मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर वो नहीं कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और गवर्नर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उन यूनियन टेरिटरीज के हैं जहां पे विधानसभा नहीं है ठीक है तो वहां पर प्रशासक की जगह मुख्यमंत्री लिख देता तो वो सही होता ठीक है या उस ऑप्शन में ये लिख देता कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधानमंडल नहीं है वहां के प्रशासक तो वो सही होता इसलिए आपका जो लास्ट ऑप्शन है फिफ्थ वो भी रॉन्ग है तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वन टू एंड थ्री एक्सैक्ट लिया कोई भी और डाउट होता है कुछ भी अगर मा, मान लीजिए एक्सप्लेनेशन में आपको बाई मिस्टेक कुछ चीजें गलत लगती हैं तो लेट इट बी एक् नॉलेज टू मी एक्सट क्लियर आई रेक्टिफाइट इफ इट पॉसिबल ठीक है तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 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 नंबर अगला पढ़ते हैं अब हम नीति आयोग आपका पहला ऑप्शन है अध्यक्ष या मैं कहूँ पहला स्टेटमेंट है अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होगा द चेयरमैन विल बी प्राइम मिनिस्टर दूसरा है आपका सदस्य राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित के उपराज्यपाल मतलब दिया गया है कि जो मेंबर जो अध्यक्ष होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे राज्यों के राज्यपाल मतलब स्टेट के गवर्नर्स और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज जो हैं उसके उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और तीसरा है उपाध्यक्ष यानी जो वाइस चेयरमैन होगा वो कैबिनेट सचिव होगा यानी कि कि कैबिनेट सेक्रेटरी होगा ये तीन ऑप्शंस दिए गए और आपसे पूछा है बताइए इनमें से सत्य क्या है यानी नीति आयोग की संरचना में इनमें से कौन आते हैं कौन नहीं तो क्वेश्चन पूछा है कौन आते है? हैं ठीक है और आपके ऑप्शंस दिए हैं केवल एक बी है एक और दो सी है एक दो और तीन और डी है इनमें से कोई नहीं क्या होगा इसका आंसर Right. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक ठीक है इसका मतलब सिर्फ जो पहला स्टेटमेंट है ना कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा बस वही सही है वजह क्या है तो अब इसका हम देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है हम जानते ही हैं कि नीति आयोग एक जनवरी सन 2015 में योजना आयोग को रिप्लेस करके अस्तित्व में लाया गया इट इज अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो योजना आयोग की कमी थी कि ये पूरी तरह से केंद्रीकृत इकाई थी जिसमें राज्यों का कोई भी प्लानिंग में या योजना बनाने में कोई भी भागीदारी नहीं थी उस कमी को पूरी की नीति आयोग ने नीति आयोग को लाने का मेन मकसद उस वक्त आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने भी कई बार स्टेटमेंट में कहा था कि आयोग बनाया जा रहा है ताकि राज्यों का भी योगदान हो सके योजना के क्रियान्वयन में योजना को बनाने में ड्राफ्टिंग ऑफ प्लान शुड आल्सो हैव द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स जो कि प्लानिंग कमीशन में नहीं था तो एक जनवरी 2015 को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत ये पॉलिसी थिंक टैंक बनाया गया जिन्होंने आप जानते हैं कि बहुत सारे तरीके से इंडिया के लिए रोड मैप्स बनाए एक फिफ्टीन ईयर रोड मैप बनाया एक सेवन ईयर स्ट्रेटेजी बनाया एक एक्शन प्लान बनाया और योजना आयोग की जगह इस तरह की शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म योजनाएं बना रहे हैं ये लोग क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन कौन शामिल है उससे रिलेटेड आप बताइए कि कौन से स्टेटमेंट सही है तो जो योजना आयोग होता है उसमें भी आपने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री उसका जो होता है वो चेयरमैन होता है और प्रधानमंत्री उसके वाइस चेयरमैन को अपॉइंट करता है सेम इज़ द केस विद नीति आयोग नीति आयोग में भी जो अध्यक्ष होता है जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है इस वजह से जो आपका ऑप्शन वन है वो बिल्कुल करेक्ट है ठीक है और जो ऑप्शन टू है यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन टू क्यों गलत है मैंने कहा ना आंसर सिर्फ केवल एक है मतलब सेकंड और थर्ड गलत है सेकंड क्यों गलत है क्योंकि चेयरमैन के अलावा जो मेंबर्स होते हैं ना वो स्टेट्स के गवर्नर्स नहीं सी होते हैं ठीक है यहां पर क्या दिया हुआ है कि सदस्य राज्यों के राज्यपाल होते हैं तो राज्यों के राज्यपाल नहीं होते राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं ठीक है और जो यूनियन टेरिटरीज होती है वहां के जो प्रशासक होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर वो लोग इसके सदस्य होते हैं तो यहां पर दे दिया है ना कि राज्यों के राज्यपाल होते हैं वहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है ठीक तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया तो चेयरमैन प्रधानमंत्री मेंबर्स ये और वो जो उपाध्यक्ष होता है वाइस चेयरमैन इसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट करता है एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे प्राइम मिनिस्टर द्वारा नियुक्त किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है कैबिनेट सचिव होता है वो नीति आयोग का उपाध्यक्ष हो जाएगा उपाध्यक्ष बाकायदा अपॉइंट होता है और वो प्रधानमंत्री अपॉइंट करता है आप जानते हैं कि अभी राजीव कुमार जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया है ठीक है तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है कि उपाध्यक्ष कैबिनेट सचिव होगा ये भी गलत ठहर जाता है तो दे द आंसर इज ऑप्शन ए केवल एक अगला क्वेश्चन है आपका अतारंकित प्रश्न के संबंध में अस, अस, में सत्य कथन कौन सा है ठीक है आई रिपीट इट इन इंग्लिश बिकॉज मे बी आपके इंग्लिश में फ्लैश नहीं हो रहा होगा क्वेश्चन है कि अनस्टार्ट क्वेश्चन जो होते हैं उससे रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है सत्य कथन कौन सा है और आपका स्टेटमेंट दिया गया है इस प्रश्न का मौखिक उत्तर दिया जाता है इसमें ओरल आंसर दिए जाते हैं ये स्टेटमेंट है आपका सेकेंड ऑप्शन है इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं मतलब इसमें आपका जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं फिर ये दोनों स्टेटमेंट के बाद आपके ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों और डी है आपका इनमें से कोई नहीं सो जस्ट टू गिव यू रिलीफ इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ द टुडे सेशन हमने आपको एक ईजी क्वेश्चन दिया है सामने में क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है संसद से जुड़े सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बट वराइटी बहुत होती है उसमें ठीक है बट मैनी ऑफ देम वो बहुत ज्यादा पूछे गए बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इसलिए इट लाइक गेट्स वेरी ईजी फॉर यू टू गेट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन तो ये भी क्वेश्चन आर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है तो ये काफी एक इजी क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं मेरे ख्याल से इतनी देर में आपने आंसर जान भी लिया होगा आपने बता बता भी दिया होगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन इज रिलेटेड मतलब ना तो एक सही है ना तो दो सही है क्वेश्चन किससे रिलेटेड मैंने कहा क्वेश्चन आर जो प्रश्नकाल होता है जो संसद की बैठक का सबसे पहला घंटा होता है प्रश्नकाल उससे संबंधित क्वेश्चन है आपने सभी ने पढ़ा है कि उस एक घंटे के सेशन में उत्तरदायी सरकार की अवधारणा को एक तरह का इम्प्लीमेंटेशन देते हुए कुछ तरह के प्रश्न विधायिका कार्यपालिका से पूछती है प्रश्नकाल संसद की बैठक का पहला घंटा जिसमें जो सांसद होते हैं जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो मंत्रियों से सवाल करते हैं मतलब कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन करती है ठीक है मतलब कि सांसद जो आपके कार्यपालिका के मंत्री हैं उनसे सवाल जवाब करते हैं और जो सवाल लिए जाते हैं वो दो तीन तरीके के होते हैं तारंकित अतारंकित और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन यानी कि स्टार्ड स्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ठीक है जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो ज्यादा उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं वो जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक स्टार मार्क लगा करके वो पूछे जाते हैं और उसमें आपको ओरल आंसर देना पड़ता है रिटर्न नहीं दे सकते स्टार्ड क्वेश्चन में आप ओरल आंसर देते हो और जब कोई आंसर ओरली दे रहा है कोई मंत्री तभी तो आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ पाओगे इज दैट क्लियर ठीक है अगर सामने वाले इंसान आपको मौखिक रूप से उत्तर दे रहा है तभी तो आप पूरक प्रश्न पूछ पाओगे तो जाहिर सी बात है इसमें ये जो दोनों ऑप्शंस दिए हैं ना कि मौखिक उत्तर दिए जाते हैं पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं ये अतारंकित नहीं तारंकित प्रश्न के एलिमेंट्स हैं ठीक है तो तारंकित या स्टार्ट क्वेश्चन जिसमें एस्ट्रिक मार्क लगा करके पूछे जाते हैं उनके लिए सामने वाला इंसान या मंत्री जो है वो मौखिक उत्तर देता है और उसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं अतारंकित प्रश्न जिस पर से ये क्वेश्चन पूछा है ठीक है अनस्टार्ट क्वेश्चन में हमेशा आंसर रिटर्न होता है और उसमें कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग या पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है इज दैट क्लियर आई वोट भी गोइंग इन टू मच डिटेल्स ऑफ दिस क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन अपने आप एक बहुत वैरिड एक टॉपिक है ठीक है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कभी इसे और हम कुछ और क्वेश्चन भी डील करेंगे उस वक्त मैं आपको इसके दूसरे आस्पेक्ट भी बताऊंगी ठीक है सो दैट इज इट टूडेज पॉलिटी एफ टी आर सेशन लेट इज मीट टूमोरो एट एट एम शाम थैंक यू सो मच